सारा युक्रेन रे युद्ध विभीषिका चारिआड़े बोमार तांडव गर्जन भितर भारतीय माने निजक बंचाइबार जो स्वर आज भुवनेश्वर में पहुंचे और देश प्रथम दिल्ली में पहुंचा पर एबे से ऑपरेशन गंगा फल से आसी पहुंची सारी भुवनेश्वर से तो सीधा साल प्रतिक्रिया देखते हैं परिवार रो इमोशन जेताबेले परिवार ते ता झियो को फेरी पाई तेणु निहाती कोटि ना कोटि माँ और झियोर जो मिलन तेणु ये देखा मिलूँ से इमोशन जात हो झीटे जेताबेले सुरक्षित भाव में युक्रेन भली परिस्थिति मुकुले आसी से निहाती बाप माँ कोटि ना कोटि खुशी ये प्रतिपाद केमती थिला सेठी सिचुएशन आपण फील करथुले। सिचुएशन तो उतना ठीक नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली बात है वॉर में सिचुएशन कभी ठीक नहीं होता, बट ये है कि एम्बेसी और सीएम मतलब नवीन पटनायक सर के मदद से हम बहुत अच्छे से इधर आ गए और बहुत बहुत शांति से खाना वाना सब कुछ बहुत बढ़िया था। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया एम्बेसी वालों ने और सर ने तो सीएम सर ने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया यहाँ पे दिल्ली आने के बाद से लेकर सब कुछ सारा इंतज़ाम बहुत सही था। ऑपरेशन गंगा के तहत ही आप लोग आए इधर पहुँचे, वहाँ पे आप कभी बमबारी के सुनाई दिया आपको? हाँ, हमने वो सारी चीज़ें महसूस की है, वो सारी चीज़ें हमने देखी भी है और ये कह सकते कि सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है। मेरा बस रिक्वेस्ट यही है एम्बेसी और जितने भी यहाँ पे मिनिस्टर्स एंड ऑल हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जितने और स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प कीजिए, वहाँ से उनको निकालिए और उनको मदद कीजिए यहाँ तक पहुँचने के लिए इंडिया। एम्बेसी की तरफ से कितना सपोर्ट आपको मिला? एम्बेसी की तरफ से तो सपोर्ट बहुत था पर बॉर्डर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आ ही रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल बॉर्डर है, प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही। पर रोमानिया के में जब हमारा एक्चुअली वहाँ पर रोमानिया में था तो वहाँ पर हमें बहुत सपोर्ट मिला था रोमानिया गवर्नमेंट की तरफ से, खाना से लेकर शेल्टर से लेकर सब कुछ में। आपको किस तरह का प्रॉब्लम बॉर्डर में फेस करना पड़ा? प्रॉब्लम्स तो सभी बच्चों को फेस करना पड़ा था, कोई भी जो भी आ रहा था, स्नोफॉल भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। अभी यहाँ पे पहुँच के कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आपण मैडम आपण इमोशन हो गले लुह खसी आसुच्छे केमी झील को आज प्रथम पाइले एभली युद्धर स्थित जो खबर देखुले से झील आज फेरी केमती अनुभव कर आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? अभी तो बहुत खुशी हो रहा है कि जब मेरी बेटी रोमानिया बॉर्डर से दिल्ली पहुंची तो मुझे बहुत खुशी हुआ और आप लोग का सहयोग से मेरी लड़की यहाँ तक पहुँच पाई, इसके लिए थैंक यू। लुह खुशी लुह आप देखुंत आउ एक परिवार आपन देखुं जो परिवार निज झी को पाइबा ताको कुंडाई पकाउं से आखिर लुह खसी जा झीटे जिते बज बाप माँ का फेरी से बेस खुशी अनुभव करुच्चे। मैं आपको पहले तो स्वागत करता हूँ अपनी मिट्टी में भारत में आप पहुँच गए। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन यूक्रेन, लाइक टुडे सिचुएशन इज वेरी डेंजरस फॉर यू एंड एज ए इंडियन यू रिटर्न टू होम योर बैक होम, व्हाट डू योर एक्सपीरियंस? ओके, आफ्टर रिटर्निंग होम इट्स अ बिग रिलीफ बट स्टेइंग देयर एंड इट्स अ बिग इट्स अ बिट ट्रबल एंड डेंजरस because you see if we get an alarm sign you need to go immediately under a shelter and it's very dark and you won't get any food or water anything, so it's very dangerous and in Kyiv you will be stayed underground for 48 hours.